यह हॉरर स्टोरी डरावनी है, और अगर आपको डरावनी कहानियों के वीडियो पसंद है तो मुझे उम्मीद है आपको यह हॉरर वीडियो पसंद आएगी। यह इंसिडेंट मेरे साथ तब हुआ था जब मैं एक बार अपने फ्रेंड के शादी से रात के करीबन 1 बजे अपने घर वापस जा रहा था। रोड पूरी तरह से सुनसान पड़ा था, ठंडी हवाएं चल रही थी और मैं जहाँ तक देखूँ मुझे बस एक सन्नाटा नज़र आ रहा था। मैं अपने कार में बैठकर उस सुनसान रोड पर अकेले जा रहा था। उस रोड पर काफ़ी कम घर थे, बाकी पूरी ज़मीन बंजर पड़ी हुई थी। मैंने एक शॉर्टकट लिया था और उस रोड से अनजान था। जैसे जैसे मैं उस रोड से जा रहा था, मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बार बार घूम रहा था कि काश मैं सीधे रास्ते चला जाता, पर अब मैं काफ़ी आगे आ चुका था और अब वापस नहीं जा सकता था। मैं अकेला ही उस रोड पर ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर चलते ही मैंने देखा एक पुराने खंडर में कुछ लाइट्स जल रही थी। मैंने 15 मिनट तक उस रोड पर एक भी घर नहीं दिखा था। इससे पहले जितने भी घर मैंने यहाँ देखे वह सब घर आधा बना हुआ था या फिर खंडर था। मेरी आंखें उस घर की लाइट्स पर जैसे अटक सी गई थी। तभी अचानक कोई मेरे गाड़ी के सामने आ गया। मैंने अपनी गाड़ी कंट्रोल करते हुए ज़ोर से ब्रेक मारा और गाड़ी एक जगह पर रोक दी। मेरे सामने एक औरत खड़ी थी, उसके पूरे शरीर में खून लगा हुआ था और वह रोते हुए मदद मांग रही थी। मैंने तुरंत अपने कार से नीचे उतरा और धीरे धीरे उस औरत की ओर जाने लगा। मैं थोड़ा डरा भी था, पर मुझे उसकी हालत पर दया भी आ रही थी। मैंने उसे शांत होकर उसके साथ यह सब किसने किया, उसकी यह हालत कैसे हुई बताने के लिए कहा। कुछ कहने की जगह उस औरत ने रोड के किनारे बने घर की ओर इशारा किया और उसी घर की ओर भागने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और उसके पीछे पीछे उस घर की ओर जाने लगा। वह औरत उस घर के अंदर जाते ही अंधेरे में गायब हो गई। उस घर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी समय से बंद पड़ा था, बस एक लाइट ही उस घर की खिड़की से बाहर आ रही थी। मैं डर से कांप रहा था, पर फिर भी उस घर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी मैंने पीछे से एक आवाज़ सुनी जैसे कोई ज़ोरों से चिल्ला रहा हो, ए वही रुक जाओ, अंदर मत जाना, वही रुक जाओ और पीछे आ जाओ, आगे मत बढ़ना। मैं वह आवाज़ सुनकर और डर गया और उस घर के दरवाजे पर ही रुक गया। मैं पीछे पलटा और देखा एक बूढ़ा आदमी रोड पर खड़ा मुझे आवाज़ लगा रहा था। मैं तुरंत अपनी कार के पास भागने लगा, पर उस बूढ़े आदमी ने मुझे बीच में ही रोक लिया और मुझसे कहा कि कभी भूलकर भी उस घर के अंदर मत जाना। डरते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से इसकी वजह पूछी और उसका जवाब सुन मेरी रूह कांप गई। उसने बताया कि 2 साल पहले उस घर में एक फैमिली रहती थी, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। एक रात पेरेंट्स कहीं बाहर गए थे और वह लड़की उस घर में अकेली थी। पेरेंट्स सुबह तक वापस आने वाले थे, पर उस रात कुछ बहुत बुरा इंसिडेंट उस घर में हुआ। जब अगले दिन पेरेंट्स घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बेटी की लाश लिविंग रूम में पड़ी हुई है, जो कि पूरी तरह खून से लथपथ थी। माँ अपनी बेटी की यह हालत देख न सकी और उसे वही हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौत हो गई। पिता के पास अब जीने की कोई वजह न होने के चलते उसने भी उसी घर में सुसाइड कर खुद की जान दे दी। इन हादसों के बाद से यह घर बंद पड़ा है, पर कुछ दिनों बाद ही उस घर में 2 आदमियों की डेड बॉडीज मिली। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने कहा कि वह वही दोनों आदमी थे जिन्होंने उस लड़की का मर्डर किया था जो इस घर पर रहती थी, उसी ने उन्हें इस घर में मार डाला। तब से काफ़ी अजीबोगरीब घटनाएं इस रोड और इस घर पर होने लगे। शायद वह लड़की अब किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहती है। तो दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरीज वीडियो पसंद है। अगर आप इसी तरह और भी हॉरर स्टोरीज वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।